हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या कहूँ, मतलब कि यूट्यूब जो है कभी सुधरेगा ही नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। तो दोस्तों, फिलहाल ये बात हो रही है कि मेरे जो होते हैं मेरे साथ, वो तो छोड़ ही दीजिए, आप लोगों के साथ होता है ये, इसकी मुझे बुरी लगती है और जिसकी वजह से मुझे ये सब वीडियो बनाना पड़ता है। तो गाइज, यूट्यूब पर अभी फिलहाल क्या हुआ है कि अर्निंग कट को लेकर आज की ये वीडियो है कि यार यूट्यूब हद कर रहा है मनमानी, मतलब जो चाहे वो करता है, वो मतलब क्या कहूँ। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या यह प्रॉब्लम हुआ है अर्निंग कट को लेकर के, और इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को देखते रहे, एंड तक चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ एक्चुअली ये है कि मेरे जो एक्टर मनोज जी चैनल पर मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था 10 दिन पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, और पर डे जो है उसमें इनकम जो अर्निंग है वो $2 से $3 के अप्रोक्स में आ रहे थे। तो 10 दिन में मेरा जो है $20 हो गए थे, $22 टोटल, ठीक है। आज सुबह मैं जब उठ करके अपने YT स्टूडियो में जा करके चेक करता हूँ तो वहाँ पर कितने बचे हैं पता है, ओनली $1, $21 कट गया। अब क्यों कटा, इसका कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं है, YouTube के पास कोई इसका जवाब भी नहीं है, और जवाब है भी तो वो देता नहीं है। तो गाइज, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ नहीं है, ये सब जो है सबके साथ होता है। आप लोग का भी अगर YouTube का चैनल मोनेटाइज्ड है तो आप लोग मुझे कमेंट पर बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग का भी अर्निंग कट रहा है या नहीं। मेरे मेन चैनल से जो है $30 या $35 मेन चैनल से भी कटा है, ब्लॉग वाले से भी $10-12 कटा है, और कल जो है एक्टर मनोज वाले चैनल पर सारा का सारा कट गया। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि मुझे $20 कटा, मुझे इसका दुख नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता कि वो $20 अगर मेरा होता तो आज 11 तारीख जो आने वाला 11 है, उस 11 तारीख को वो मेरे एडसेंस पे ऐड हो जाता, और एडसेंस पे मैं पिन वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर पाता, अप्लाई कर पाता, क्योंकि पिन वेरिफिकेशन के लिए $10 आपके एडसेंस अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए, जो कि मेरा जो है सपना टूट गया। अब एक महीना बाद फिर से होगा, फिर भी एक महीना बाद भी होगा या नहीं, कट जाएगा ना क्या। तो हुआ एक्चुअली ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का इसमें पैसे कट रहे हैं जिनके व्यूज़ मान लीजिए कम आते हैं। तो एक यूट्यूबर क्या है कि 7 महीने से वीडियोस बना रहा है, 7 महीना, और 7 महीने से वीडियो बना रहा है, बार बार उसका $10-12 अर्निंग होता है महीना में, और फिर वो कट जाता है। तो उसको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा यार, आप लोगों के फीलिंग को मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा मशक्कत किया था, एक टाइम मैं भी सोचता था मेरा $10 कब हो जाएगा, मेरा पिन कब आएगा, मेरा फर्स्ट पेमेंट कब आएगा, कब $100 कंप्लीट होगा। तो ये सब चीज़ मैं जो है झेल कर आया हूँ, जिसके वजह से आप लोगों के फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर पा रहा हूँ कि YouTube देखिए पैसे काटता है हम लोग का, उसका कोई वो रीज़न नहीं देता है। मैं पूछता हूँ तो कुछ ऐसा रीज़न देता है जिसका कि कोई मतलब आप लोग, मैं आप लोग को क्लियर भी नहीं कर पाऊँगा। तो गाइस, YouTube पैसा काट रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, YouTube को मैं बोल के थक गया, मैंने ऑफिशियल जाकर के चैट से उनसे बात भी की, लेकिन उनका कोई भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। तो गाइज, हम लोग को करना क्या है कि देखिए, मैंने इस पर इसलिए वीडियो बनाई ताकि ये वीडियो YouTube तक पहुंचे, और हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे यार, आप लोग क्यों YouTube वालों को मैं कहना चाहूँगा क्यों अर्निंग कट हो गई, इसका एक रीज़न बता दो क्यों, मतलब कोई मतलब उसके पास सोल्यूशन ही नहीं है। तो गाइज, अगर आप एक क्रिएटर हो, आप एक यूट्यूबर हो, तो इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाओ कि यूट्यूब अर्निंग क्यों काट रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने YouTube ने एक नया रूल लगाया था कि वेरिफिकेशन बैच जो है हट जाएगा, लेकिन हम लोगों ने बड़े बड़े क्रिएटर्स ने कुछ वीडियोस बनाए, और जिसके बाद से उन्होंने जो है वो माफ़ी मांगा और उस रूल को भी हटा लिया। तो अभी YouTube जो है पैसे काट रहा है नए यूट्यूबर्स के साथ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे $20 कटे, एक्टर मनोज दुबे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक और चैनल है, और समुद्र में से अगर 4 बूंद पानी निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे उन क्रिएटर्स के लिए मुझे बुरा लगता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं $10 कंप्लीट करने के लिए, ताकि उनका एडसेंस का पिन अप्लाई हो सके और वो पिन आपके घर पर आ सके, लेकिन उनका जो है सपना बार बार YouTube तोड़ देता है, बार बार जो है हर मंथ पैसे काट लेता है। तो ये सब चीज़ें सुनकर के अच्छा नहीं लगता। तो यार, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वीडियो ज़रूर बनाओ इस टॉपिक पे, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो, और बताओ YouTube को कि ये गलत कर रहे हो, आप जो भी करे गलत कर रहे हो, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी यार, सुधर जाओ। और क्या कहूँ, एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है मानता हूँ, लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं तो ही आप पैसे देते हो, और आप अपने घर से तो पैसे देते भी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाया ताकि आप लोग अवेयर कर पाऊँ, आप लोग भी इस पे टॉपिक पे वीडियो बना। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं होते या सब्सक्राइब करना। और आपका अगर अर्निंग कटा तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताने कि आपका अर्निंग कटा है या नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।